Hey guys, welcome back to our another video. तो guys, आप लोग constantly हमारा vlog देखते सोच रहे होंगे कि सिर्फ vlog ही डाले जा रहा है, लेकिन आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं. आज हम लोग सोचा हमने कि हम लोग उस वीडियो को देखे जिसको आपने सबसे ज्यादा प्यार दिया है. 3 lakhs के ऊपर उसमें व्यूज है. हाँ, so तो let's find out. हाँ, हम अपने खुद के वीडियो को खुद रिव्यू करेंगे. तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा अंत तक देखिए, पूरा एंड तक देखिए वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक कर देना पहले से. चलिए स्टार्ट करते हैं. Baby, happy birthday to you. Happy birthday to you. ये तुम्हारा बर्थडे था कि मेरा बर्थडे था? ये मेरा बर्थडे था. अच्छा, ये पीटर का बर्थडे था. हाँ, भूल कैसे जा सकते, क्योंकि तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो. हाँ, राइट राइट. सपना है ऐसे किचन में पीटर हमेशा काम करता ही है. कुछ दूर चल के ही. और आज मैंने ही ये शॉपिंग कर रहा है. क्या ये मेरे लिए आइसक्रीम ले रहा है क्या? Hey guys, welcome back to another video. और आपको पता है आज है पीटर का बर्थडे. कल रात को हमने लास्ट सेलिब्रेट किया था. तो सुबह उठने के बाद हम लोग 4:30 बजे सुबह किए 8, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको उठाया जाए कॉफी के साथ और उसके साथ एक केक के साथ. वैसे मुझे ये सुबह सुबह उठाता नहीं है कभी भी कॉफी के साथ. जब वीडियो बनाना था तभी कॉफी के साथ उठाता है. ऐसा नहीं है, मैं हमेशा उठाता. बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा है कि मैं हमेशा उसको जाता हूँ उठाने के लिए. ऐसे भी कभी कभी कॉफी बनाता हूँ, लेकिन यूजुअली ये मुझसे पहले उठता है. और कभी कभी होता है कि मैं उससे जब पहले उठ जाता हूँ तो मैं बना देता हूँ कॉफी. नहीं, मैं तो कॉफी बिना छोड़ भी दिया अभी सुबह सुबह. नहीं पीता है, अभी पीता है. कल तो ऐसे सुबह बहुत दिन बाद पिया था, ऐसा था. लेट्स प्ले. With my coffee, cake, and 2 cups. तो मैं जल्दी से पानी गर्म करता हूँ और कॉफी बनाकर उसके पास लेके जाता हूँ. बंद हो गया है ना, समझ में नहीं आ रहा. सुबह सुबह उठ के ना इतना मन नहीं करता है कुछ करने का. देखा, मैंने बोला ना सुबह सुबह उठ के कुछ मन नहीं करता है करने का, लेकिन मैं कर रहा हूँ जस्ट तुम्हारे लिए. अभी मुझे मन नहीं करता सुबह सुबह उठ के कुछ काम करने का. सुबह सुबह उठ के मुझे बस पानी पी के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कर लो, बस कोई कर दे करा दे, ब्रेकफास्ट खिला भी दे तो भी अच्छा लगता है. सोचो गाइस कैसे इसके साथ रहना पड़ता है. सोचो कुछ करते भी नहीं हो. हाँ एग्जैक्टली, मैं तो मतलब सब कुछ करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है कि कुछ भी नहीं करते हो. वाओ, नहीं मतलब ब्रेकफास्ट बनाते तो, लेकिन खिला भी दे सकते हो. चलो चलो आगे बढ़ो. मुझे इतना पसंद नहीं है, बट पीटर का बर्थडे आज अगर नहीं किया तो फिर जिंदगी भर मुझे सुनाएगा. देखा गाइस, बस एक दिन के लिए बर्थडे है, सुनाएगा इस वजह से. मतलब होता नहीं कि अंदर से आता है कि नहीं चलो करते हैं. नो नहीं, जस्ट अ सेकंड, मैं बोला कि मैं यूजुअली करता हूँ, लेकिन आज अगर नहीं किया तो फिर तुम और ज्यादा सुनाओगे, इसीलिए मैंने आज करना प्रेफर. एक तो ये वर्ड्स को बहुत पकड़ लेता है, इसके साथ बातों में जीत नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ये पूरा वर्ड टू वर्ड पकड़ पकड़ के आपसे बात करेगा. मिल्क कॉफी बनाऊंगा. फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ब्लैक कॉफी बनाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ. पहले ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद अगर मिल गया तो हम फिर मिल्क कॉफी पी सकते हैं. चलिए, मेरा तो कॉफी बन चुका है. देखो, मैं तुम्हें कितना सारा कॉफी दे रहा हूँ. मैं सुबह उठकर तुमको कॉफी दे रहा हूँ, फिर मैंने बोला कि मिल्क कॉफी पियेंगे बाद. ऐसे नहीं कि तुमको मना करता हूँ कॉफी. हाँ, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, दैट्स व्हाई. अदरवाइज बहुत ज्यादा बात सुनना पड़ता है. लुकिंग गुड. यहां पे पेस्ट्री. मुझे इतना पसंद नहीं, पता नहीं होता कि ये मफिन है, केक है. वो केक पता चलता है, लेकिन ये तो मानते तो हो नहीं, ये पता नहीं होता. अब मुझे कैन आई प्ले? Let's just poke this candle inside this. Yes, this is looking good, no? Let's just light the candle. कल मेरा हाथ वैसे जल गया, आप लोगों ने देखा ही था. आज मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता. हाँ, मेरा हाथ जल गया था, पता है. ये कैंडल जलाने में तुम्हारा जब जो फायर कैंडल था, उस कैंडल की वजह से मेरा हाथ पूरा जल चुका था उस दिन. मेरे सेल्स जल चुके थे हाथ के. पीटर, 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 बेबी, पीटर, हैप्पी बर्थडे टू यू. देखो कितने प्यार से तुमको मैं जगा रहा हूँ. तुम आराम से सोए पड़ो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. पूरा आराम से तुम सो रहे हो. मैंने आके वो सब कुछ किया. और ये रूम कितना ब्यूटीफुल था. मुझे ये बेडशीट चाहिए. ये पहला बात तो ये तुम्हारा काम है, मतलब ड्यूटी है तुम्हारा, ये करना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम मतलब मेरे साथ हो ना. बर्थडे पे क्यों, यूजुअली एवरी डे तुम कर सकते हो, लेकिन अब तुम नहीं करते. तुम थोड़ा सा मतलब लेजी पर्सन हो. इट इज नॉट माई फॉल्ट. आई एम नॉट लेजी. आई एम जस्ट, आई प्रेफर माई ओन टाइम
to do my own things. हाँ, तो ये सबके ऊपर लागू होता है ना, उनके भी टाइम हो सकते हैं, उनके भी अपने खुद के टाइम है. चलो चलो आगे बढ़ो. देखो क्या आया है. Happy birthday my bacha. Happy birthday to you. Oh sorry. उठो. तुम हमेशा ऐसे खाली बदन क्यों सोते हो? क्योंकि पता नहीं क्यों गाइस, आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, मतलब बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि मतलब कपड़ों के साथ नहीं सो सकते, प्रॉब्लम होता, अनकंफर्टेबल लगता है. तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि बिना कपड़ों के सोना मुझे अच्छा लगता है. Happy birthday to you. देखो देखो कैसे कर रहे तुम. देखो Happy birthday my bacha. By the way guys, ये मुझे मतलब बच्चा ही बोलता है क्योंकि इसके फोन में भी वही नाम से मेरा कॉन्टेक्ट सेव है, मतलब मेरा नंबर सेव है, तो सेम ही है, ऐसा नहीं कि वीडियो के वजह से है. मुझे वीडियो देख के तुम पे ज्यादा प्यार आ रहा है, सामने से देख के नहीं आ रहा है. ये हमेशा होता है गाइज, जब भी ये वीडियोस एडिट करता है तब इसके साथ ये होता है, जब ये वीडियो देखता है तब नाक बह रहा था तुम्हारे गाल पे लग गया. बट जब रियल में ऐसा होता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. देखो मेरे लिए क्या लिखा है तुम्हारे लिए. एकदम खुशबूदार ब्लैक कॉफी. लो लो लो, ब्लो द कैंडल. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे. एक ही बार मुझे कॉफी देखती गाइस, मुझे फिर से मतलब लग रहा है कि मेरे पास अभी भी एक कॉफी होता तो मैं पीता शायद, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले ही पिया है. सो गाइस पीटर जग चुका है. इमेजिन कैंडल है क्या? ब्लो इट अगेन. जब तक पूरा नहीं बुझता तुम्हारा बर्थडे नहीं मनेगा. ब्लो इट. बुझ गया ना. A few moments later. चुटकी क्यों मार? क्योंकि इससे वो होता है ना, साउंड क्रिएट होगा ना गाइस, तो वो जलता है. मतलब इससे पहले साउंड से नहीं जलता है वो. साउंड से ही जलता है. नहीं, उसके उसके जो वो जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, जिससे आग लगता है, जो उसका थ्रेड होता है, थ्रेड एक्चुअली थ्रेड, जो उसका थ्रेड होता है उसमें बारूद रहता है, गन पाउडर. जब भी आप लोग क्लैप करोगे ये तो वैसे होता नहीं कि मैं सबको क्लैप करता है तो ये साउंड जो होता है क्रिएट, उससे वो जलता है. क्या कोई मैजिक है या फिर कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी कि साउंड से लगा? साइंस, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ऐसे बारूद रहता है जिस वजह से वो बुझ जाता है फिर जल जाता है. कुछ तो होता होगा ना, साउंड ही क्रिएट की वजह से वो जलता है, एयर की वजह से. नहीं खत्म. व्हाट? देखो तुमने कितना देर पहले क्लैप किया था, उसके साउंड थोड़ी जलता है, फिर बातों से भी जल जाता चुका है. और हम लोग उठते हैं, उठ के पहले ब्लैक कॉफी पीते हैं, उसके बाद हम फ्रेश फ्रेश होते हैं, केक वेक इसको पेस्ट्री को खाते हैं, थोड़ा सा ही काटा था और उसके बाद ये बच गया. मैं और पीटर दोनों में से कोई इतना ज्यादा, मतलब पीटर का स्वीट क्रेविंग है पर मैं उतना ज्यादा नहीं करता, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं यहाँ के जो केयर टेकर है उनको एक केक दे देते हैं, उनके जो किड्स है वो. ये केक मुझे पहले तो बहुत ज्यादा मतलब पसंद भी नहीं आया, केक एकदम अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, और एज अ टेस्ट क्योंकि इसने चूज किया था ये केक, सस्ता था. नहीं सस्ता बिल्कुल नहीं था. ये सबसे जो कम प्राइस का केक होता है गाइस, अभी कभी भी अब मियो में जाओगे तो सबसे कम वाला जो केक होता है ना, तो यही आपको मिलेगा. नहीं, ये यही लिया था. द इंटेंशन वाज नॉट कि हमें सस्ता केक चाहिए, द इंटेंशन वाज कि छोटा केक चाहिए था. छोटा केक चाहिए कि हम लोग दो लोग से ज्यादा होगा तो वेस्ट होगा, तो हमने जितना छोटा सबसे छोटा था यही सबसे छोटा था, तो हमने यही लिया. उसके बाद भी ये केक बच चुका है, आप लोग देख सकते हो बच चुका है केक, क्योंकि हम लोग इतना स्वीट मैं तो खाता नहीं हूँ, ये खाता है थोड़ा बहुत, तो इसने खाया. तो मैं फ्रेश हो रहा है तब तक मैं बेड को पूरा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि आज उसका बर्थडे है तो मैं उसको कुछ नहीं करने दूंगा, सब कुछ ही मैं करूंगा. तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो बाथरूम से बाहर आए तब तक रूम पूरा क्लीन रहे और उसको अच्छा लगे देख के. रूम हो चुका है मेरा साफ, अभी सब कुछ क्लियर है. यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. यहाँ पे आज भी मौसम खराब है, बारिश शायद आज भी होगा. वन ईयर हो चुका है कि हम लोग गए थे. नहीं कैसे हो सकता, वो बर्थडे ब्लॉग था ना मेरा इस दिसंबर में. हाँ, दिसंबर में. तो बारिश कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा रेन हो रहा था कॉन्स्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा वो खराब था, वेदर बहुत ज्यादा खराब था. इट वाज दिसंबर. हाँ इट वाज दिसंबर. मुझे याद है हम लोग जब ट्रेन से उतरे थे, उसके बाद एक तो विंटर था बहुत ज्यादा, और उसके बाद ट्रेन से उतरे थे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था बारिश में. हम लोग खड़े थे एक चाय की टपरी पे जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे. इसके ये जो व्लॉग है इसके पहले वाले व्लॉग में वो हमने शूट किया था, और इतना ज्यादा ठंडा लग रहा था मुझे कि मैं क्या बोलूं. और उसके वजह से हमने जो वहाँ पे टुक टुक लिया, टुक टुक के इधर से बारिश आ रहा है, उधर से बारिश आ रहा है, और ठंडे में हम लोग कांप रहे दोनों. और वहां से स्टेशन जहाँ पे स्टेशन है कल्याणी स्टेशन, वहां से ये ऑलमोस्ट है अच्छा डिस्टेंस है, 20 मिनट 25 मिनट ऐसा डिस्टेंस है, लेकिन फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें तो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था. और
सेकेंडली इतना ज्यादा ठंडी लग रही थी हमें कि चारों दोनों तरफ से बारिश आ रहा है, और ट्रेन से जाते वक्त भी वैसे था, लोकल ट्रेन में ज्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन फिर भी लोकल ट्रेन में भी हमें बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। एक्चुअली एक सीरीज है ना, तीन शायद ये थर्ड वीडियो है जो हम लोग देख रहे हैं, तो इससे पहले भी दो वीडियो है, तो ये कनेक्टेड है कि मतलब पूरा जर्नी को लेके एंड यहाँ तक का पूरा कनेक्टेड है। आप लोगों ने अगर अभी भी नहीं देखा ये वीडियो तो देखना, इसके पहले दो वीडियो उसको देखना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम लोग वहां से यहाँ तक आए। लेट्स प्ले। तो पता नहीं, पर हम नहीं चाहते कि बारिश हो, बारिश की वजह से हम घूम ही नहीं पा रहे बाहर, तो अगर बारिश नहीं होता है तो हम लोग कहीं पे जाएंगे, कुछ करेंगे, कहीं पे घूमने जाएंगे आसपास, कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे कुछ है कि नहीं। रूम तो क्लीन हो चुका है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे लोबान जला देता हूँ, तो इससे रूम भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ये लोबान से मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ कि घर पे मैं घर तक आ गया गाइस, यहाँ पर भी रखा होगा कहीं पे। मैं जाके मेले में ये खरीद के लेके आया कि नहीं मुझे मेरे रूम में भी चाहिए हमेशा, जो लंबा सा स्टैंड खरीद के लेके आया उसने लोबान ये जलाता भी है रूम में। शुड स्मेल गुड। आपने हमारे इसके पहले जो रूम था जिस रूम में हम रहते थे वहाँ पे भी अपने जलाते हुए देखा होगा लोबान हमें। लेट्स प्ले। आप लोगों को नहीं पता लोबान क्या है, तो ये कुछ पता है मुझे नहीं पता था, इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। स्मोक दैट यू नो फ्रेग्रेंस द होल रूम, सो ये सब खत्म हो चुका है, इसको मैं चलाता हूँ पहले, जस्ट ये इसे थोड़ा सा जल जाए, इसको बुझाना है, कीप इट नियर देन क्लोज इट, उसके बाद इसमें से धुआं निकलता रहेगा। ये धुआं दिखने में बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है। ब्रश कर लेते हैं, ब्रश कर लो। तुमने उल्टा टी शर्ट पहना था देखा तुमने? आनंद भाई जस्ट माई थिंग्स। ये ब्रश करने का जो फुटेज होता है ना, वो मिक्स वो है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। मैक्सिमम कमेंट्स हम लोगों के पास आता है जबकि अच्छी ऐसे ब्रश करते हुए दिखा रहे हो, फिर कुछ लोग करते हैं कि ये अच्छा लगता है कि हाँ चलो तुम लोग ब्रश करो। गाइज ब्रश तो सभी करते हैं ना सुबह सुबह उठ के, तो वी जस्ट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग वी डू ऑल डे, तो उसके लिए जस्ट लोग तो कुछ भी कहते हैं, कहने दे। ओ गॉड, फिर से एक एड। Hey guys, तो आज नेक्स्ट डे है, आज मेरा बर्थडे है, सुबह सो के उठ चुका हूँ मैं, अभी वक्त है नाश्ते का और शायद रोहित नाश्ते पे वेट कर रहा है। और उससे पहले एक और बात, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर द ऑल विशेज, एंड यू नो पिछले ऐसा टाइम पहले नहीं था, तो धीरे 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 चेंज हुआ है, लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, चीजों को करना पड़ा है, तो बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, दैट्स व्हाई मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। बस सबसे स्पेशल वाला गिफ्ट था, सबसे स्पेशल वाला पता था, ये सब आप ही लोगों की वजह से है, क्योंकि मैं हर वक्त कोशिश करते हैं कि अभी कुछ भी करे तो आप लोगों को दिखाने के लिए भी करे, मतलब वीडियोस बनाने के लिए भी करे, सो दैट्स व्हाई आप लोग हो, तो मेरे साथ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, थैंक यू सो मच गाइस। मेरा यही है कि मतलब वीडियोस के लिए ये थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है, अदरवाइज टाइम उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, बस ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों में एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह हम लोग एक्सचेंज नहीं करते, क्योंकि कहाँ करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं, लेकिन खरीदा जरूर जाता है, तो मैं ले लेता हूँ, मुझे जो पसंद है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली हम लोग बहुत ज्यादा वो ये गिफ्ट दे रहे वो गिफ्ट दे रहे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे ये कर रहे वो कर, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहते हैं इन सब चीजों में। रोहित क्या खा रहा है और मेरे लिए भी क्या है। ओके ये तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें भी डांस क्यों कर रहे हो? तुम क्या कर रहे थे? तुम पराठे बनाने आए हो? वाह, झूठ बोल रही हूँ, पराठे गर्म करना है, ठंडा हो गया। हाँ। ये पराठे बहुत टेस्टी थे, नहीं उसके साथ वो आलू की सब्जी कल बनाते हैं सुबह को, तुमको बनाना था आलू की सब्जी? नहीं बनाना था मुझे, आलू की सब्जी बनाने आता है लेकिन पराठा बनाने नहीं आता। पराठा मैं बना दूंगा, तो आलू की सब्जी बना देना। फाइन, लेट्स डू इट टुमारो मॉर्निंग। ये बहुत टेस्टी है, लेकिन हम लोग सो के उठे, फिर फ्रेश हुए, फिर मुझे कॉफी भी पीना होता है सुबह को उठ के, सो थोड़ा सा लेट हो गया है। ओके नो प्रॉब्लम। अरे तुम छोड़ो, मैं करता हूँ, पकड़ो इसको।
मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तो पता ही है। ओ ऐसे करना है ना, मैं हाथ डाल दे रहा था सीधा। नहीं ऐसे करना नहीं है। हाँ तुम तो अच्छा ही कर रहे हो। ये सब क्यों नहीं दिए एक साथ? नहीं नहीं वो तुम्हारा है, अलग ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तुम कम खा रहे हो क्या? कान कान में दो, कान मेरे गर्म है, कुछ नहीं होता जैसे आ जाता है कान में देने, क्योंकि कान ठंडा होता है इसलिए, लेकिन मेरा भी कान गर्म है। बोला था ना सब कुछ, इससे बातों में नहीं जीत सकते। अरे ट्रू, कान में हाथ देने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कान ठंडा होता है यूजुअली, लेकिन कान गर्म था तो इसलिए नहीं दे सकते, इसलिए मैं उसको सक कर रहा था। सक कर रहे थे या लिख कर रहे थे? ना बस सकिंग है। इनका किचन भी कितना अच्छा है ना, बहुत ज्यादा स्पेशियस था। इतना सारा ब्राइट लाइट है वहाँ पे, इतना ज्यादा नेचुरल लाइट आता है विंडोज से, एंड किचन बड़ा है बहुत ज्यादा एंड व्हाइट है, तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। मेरा सपना है ऐसे किचन में पीटर हमेशा काम करता ही रहे। ये समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है गाइस, अगर आप लोग साथ में रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। लेकिन हुआ तो था इससे पहले, मतलब इसके बाद हुआ था, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था तब, तो इसके बाद हम लोग फिर रूम में शिफ्ट हुए थे, वीडियोस भी बन रहा था। लेकिन तुम्हारे मैनिफेस्टेशन में ताकत नहीं थी, इसलिए ज्यादा दिन हम लोग नहीं टिक पाए उस रूम में। नहीं थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो गया चीज, बट जो भी होता है happens for the best, तो मे बी इससे ज्यादा अच्छा बेटर कुछ करना है इसलिए। कुछ लोग देखते हैं हमें, सबका पता नहीं है, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। That's true. चलो चलिए खाते हैं, अब नरम हो चुका है। पहले मुझे आया था थोड़ा हार्ड था ये, पता ये सफेद वाला जो सब्जी है ये इतना टेस्टी मैं पहले नहीं खाया। ये बंगाली फेमस वो है ना आलू चौचुरी। देखो तुमको तो आता है क्या आलू चौचुरी बनाना? बनाना नहीं आता, बट मैं घर पे बहुत खाया हूँ। तो मम्मी से पूछ के कल बनाना? मम्मी से पूछ नहीं होता, बस बन जाता है, इजी होता है। हाँ इजी होता है। एक और एड गाइस, आप लोग भी एड से परेशान है? फिर भी परेशान रही है, बट फिर भी देखिए इसको। हमें फर्क नहीं पड़ता आप एड से परेशान है, लेकिन आपको एड देखना पड़ेगा। अरे अपना कॉफी बना रहे क्या? ये लड़का ए अपना कॉफी बना रहे दूध डाल के। देखो मैंने जब बनाया था वो मैंने दोनों लोग के लिए बनाया था, ये जब कॉफी बना रहा है अपने लिए सब बना रहा है, सिर्फ अपने लिए। सेल्फिश है ये गाइस, सेल्फिश। एक सेकंड, मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन है। ये कॉफी पीता नहीं है, ये सुबह जो दो कप बनाया था पता नहीं क्यों बनाया था, खुद के लिए भी बनाया था, उसके बाद मैं ही उसको खत्म किया था। फैक्ट इज मैं कॉफी नहीं पीता, लेकिन जब भी ये बना के लेके आता है उसको पता है मैं उससे पीता हूं। हां एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए एक कप बनाता हूं, मुझे पता है कि एक कप पूरा मैं पी जाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए भी खराब होगा, तो एक कप में शेयर कर लेंगे। अब सुबह मैं उठा नहीं था, अपने स्मार्टनेस से ये दो कप बनाया था। अगर मैं जागा होता हुआ रहता तो फिर मैं एक ही कप बनाने के लिए बोलता, जो हम लोग शेयर कर लेते। इतना नहीं सोचता ये। इसको लगता है गाइस, इसको लगता है कि सोच मतलब यही सोचता है, यही सब करता है, इसको लगता है। दांतों को सहारने के लिए चीनी नहीं डाल रहा, सिर्फ दूध डाल। दूध में तो शुगर है, पीछे पढ़ के तो देखो कभी पैकेट के। ओ गॉड, तुम जैसे लोग पैकेट पढ़ते नहीं, ऐसे ब्रांड लेके सोचते हैं कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा इसमें। यहाँ पर भी कॉफी है क्या? तो तुम कितना कॉफी? ओ यस, दिस टी बैग। सब चीजों नहीं, सब चीजों का ध्यान रखा है इन्होंने। एक्चुअली है एवरीथिंग, लाइक फॉर एवरीवन, बैचलर्स बोल लो, कपल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल। हाँ अभी होटल में अगर होते ये कॉफी के लिए तो मुझे 50-60 रुपए ले जाता। आज तो मुझे कोई चिंता नहीं है, पीटर कितना भी कॉफी पिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों तुमने यहाँ पे भी क्यों बोला, वहाँ पे भी क्यों? तुम्हें पता था तुम क्यों बोलने वाले हो? नहीं क्योंकि मतलब तुम खुद से बना रहे हो तो कोई व्यू नहीं है ना। नहीं मतलब तुमको अगर ऐसा होता कि हम लोग होटल में हैं, तुम अगर ऑर्डर करने वाले हो तो मैं वो करता, तो मैं बोलता कि इतना कॉफी पियोगे मत पियो। देखा गाइस, आप लोगों ने अभी आप लोगों के पास प्रूफ है कि अगर मैं होटल्स में रह के ऑर्डर करता तो उसमें शायद 50 रुपए का कॉफी रहता इन केस। बस करो, बस करो, बोलना मेरे मेरे अगेंस्ट बोलना, बस करो। तो वो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो बस करो तो मेरा हेल्थ खराब हो, बस पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। हटो, पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। चल, चल। तुम मुझसे दोबारा दोस्ती कर लो।
घर साफ करने जा रहा था, मेरा खुद का घर है। यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ बहुत सारे काम है, चलो छोड़ो क्या बात करेंगे। हम रेडी हो चुके हैं दोनों और अभी निकल रहे शाम को वॉक पे। लेट्स जाते वक्त पीटर ऑलमोस्ट पूरा रेडी है और रेडी होकर वो जाने के लिए तैयार है। मैं फिर भी मतलब रेडी होने के बाद भी मैं फाइनल कुछ सेंड करने, फाइल को कुछ सेंड करने वो सब मैं कर रहा हूँ। कल शायद हम लोग पैंटलून्स गए थे जहाँ से मैं ये टी शर्ट लिया था मेरे बर्थडे के लिए, और आज पता नहीं देखते हैं लोकैलिटी में क्या मिलता है नहीं मिलता है। जब जाएंगे इन साहब का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, निकलने जा रहे थे और ऑफिस के मैम ने फिर से काम दे दिया है। मैं कैसे लग रहा हूँ देख रहा हूँ जैसे ये भी आया है देखने के लिए। चले? हाँ चलो चलते हैं हम लोग जा रहे हैं। क्या इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा? मैं तो गुस्सा था ना उस समय, पता नहीं हाँ शायद सब कुछ क्या बोर कर रहा हूँ मैं, क्या आप लोगों को बोर करता हूँ? अच्छा एक बात बता दी, आज तो बता ही दो आप लोग की मैं ज्यादा बोर करता हूँ ये ये तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। गाइस ये कमेंट सेक्शन अभी भी आप लोग बोल सकते हो। इस जो ये वीडियो है ना एक और ऐड, इसके कमेंट में भी आप लोग बोल सकते हो। वी कैन फील योर पेन गाइस एड्स के वजह से। हाँ मुझे इस समय याद है, इस समय में थोड़ा गुस्सा था पीरियड को, पता नहीं किस रीजन से ये गुस्सा था पर गुस्सा था, जिस वजह से मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि उस दिन उसका बर्थडे था फिर भी मैं गुस्सा था। हम लोग पूरे दिन में मतलब 24 आवर्स में हमेशा गुस्सा ही रहता है एक दूसरे से, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। झूठ बोल रहा है आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अंदर आते ही पीटर ने अब तक ये सामान खरीदे है और अब ये सोच रहा है कि ये महंगा वाला चॉकलेट भी खरीदेगा, तो इसलिए उसको अच्छे से वो पढ़ रहा है प्राइस, और इसलिए मैंने क्या किया चॉकलेट को थोड़ा सा ऊपर रख दिया। गाइस ये चॉकलेट मतलब मैं लास्ट टाइम भी गया था तब भी मैं देख रहा था, मैं हमेशा देखता हूँ लेकिन कभी आज तक ले नहीं पाया। ए, मैंने तुमको कब मना किया लेने के लिए? बहुत बार। ये झूठ है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। गाइस नेक्स्ट टाइम मैं प्रूफ मतलब कैमरा ऑन करके ये लूंगा और इसका वो हाँ या ना रिकॉर्ड भी करूंगा, डोंट वरी। जब तक उसका हाथ ना पहुंच पाए। क्या ले रहे हो तुम? पढ़ने में परेशानी, कार्ड भर रहा है गाइस, और आज मैं नहीं ये शॉपिंग कर रहा है। हाँ ये गुस्सा तो देखिए, कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस चीजें लिए जा रहा है कि ये करना है, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब वो डैमेज कंट्रोल कर रहा था। गाइस हम लोग परीक्षा के बाहर है और डिस्कशन चल रहा है हम दोनों की के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, मुझे तो जाना है और इसको नहीं जाना, मतलब जाना है इसको, पीना नहीं है बेसिकली अब, लेकिन मुझे पीना है तो पता नहीं क्या करे। बोलो जाओ कहाँ जाओ? देखो गाइस तो इसने वो भी डॉलर का जो साउंड होता है ना, जो कैश का साउंड होता है वो भी इसमें दिया है ताकि लोगों को समझ आए कि खर्चे के वजह से नहीं जा रहे। सोचो जाओ अंदर जाओ, मैं बाहर खड़े हो रुकता हूं। तुम नहीं चलोगे? मैं यहीं पे वेट कर रहा हूं। चलो ना एक कप कॉफी का ही तो बात है। तुम बाहर क्यों? चलो अंदर चलो। हाँ जाओ तुम जाकर ऑर्डर दो, मैं पीछे भी चाह रहा हूँ। एक एस्प्रेसो ऑर्डर दे दो, सॉरी एस्प्रेसो बोल रहा हूँ, एक कैपेचिनो ऑर्डर दे दो। तो गाइस हमने अंदर जाके देखा कि उनके पास कॉफी छोड़ के और कुछ ऑप्शन था नहीं, तो मैं मनी मन थोड़ा खुश हुआ कि ठीक है चलो पीता थोड़ा कम खर्चा करेगा। बट उसने एक महंगा सा कॉफी ही ले लिया उसके बदले। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। वीडियो खत्म। एक्चुअली वीडियो इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे भी देख के कभी कभी होता है कि मेरे खुद का वीडियो देख के मुझे लगता है कि नहीं उतना ज्यादा खास नहीं है एवरीथिंग, लेकिन अल्टीमेटली वीडियो बहुत अच्छा था। तुम लोगों को तुमको क्या पसंद आया वीडियो में? सब कुछ ही पसंद है, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब एक एंगेजमेंट था वीडियो में, एक्चुअली बहुत ज्यादा बातें थे, अच्छा लग रहा था, घूम रहे थे हम लोग और इधर उधर जा रहे थे, तो ये अच्छा था कहीं ना कहीं। और बाकी कुछ कुछ वीडियो में होता है कि मतलब रिपीटेड चीज हो सकता है या कुछ, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा फ्रेश था। तुमको? मुझे यही अच्छा लगा कि मुझे तो पहले तो हम लोग गए थे जहाँ पे वहाँ पे घूमने गए थे, उस जगह इतना अच्छा लगा था, इस वजह से वीडियो में बहुत मजा आया। आप लोगों को क्या पसंद है आप लोग कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके अपने दोस्तों में बांट दो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, टाटा, तब तक के लिए बाय।